न संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौज तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश के सियासी पारा बिल्कुल हाई है, यह हम नहीं कही, यह मध्य प्रदेश के हालात कहा थे ना कि लागत है मध्य प्रदेश में तनाव है, लागत है बहुत जल्दी होने वाला मध्य प्रदेश में चुनाव है। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है, जो सीधी सियासत दानन के एक बड़े नाम खातिर जानी जा रही वह सीधी मैं कहो न कहो अब राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। सियासत दान तो नहीं रहेंगे लेकिन सियासत की तस्वीर जरूर बदली है। सीधी विधानसभा, सीधी जिला के एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट ही सीधी मां लगातार भाजपा अपन विजय रथ चलाए रही है, लेकिन चुनावी विश्लेषक के मान्यता इधर की कुछ अंदरूनी विरोध के सामना भाजपा का सीधी विधानसभा में करे का पड़ सकत है। लेकिन दूसरे ओर कांग्रेस के हालत के आज अपना से बात करब कि कांग्रेस काहे सीधी विधानसभा में हर बेरे मुंह के खाए रही है, वजह का है काहे कि यह अब चर्चा के विषय बन रहा है। जो सीधी जिला कांग्रेस के एक समय गढ़ माना जा रहा वह सीधी मां अब कांग्रेस के बोहनी नहीं हो रही है। वजह यह कि मात्र सीधी मां जैसा कि चार विधानसभा सीट ही महज एक विधानसभा सीट से कांग्रेस का संतुष्ट होकर पड़ रहा है। सीधी मां सीधी विधानसभा, सिहावल विधानसभा, चौरहट विधानसभा, धोहनी विधानसभा, जोड़े मां सिहावल विधानसभा मां केवल कांग्रेस जीत दर्ज कराई रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीधी विधानसभा मां आखिर तीन बे के चुनावन पर यदि अपना नजर डाली, जो 2008 की चुनाव रहा, 2013 की चुनाव रहा, 2018 की चुनाव रहा, राजनीतिक विश्लेषक माना थे कि अंदरूनी कलह और गुटबाजी के चलते जो है कांग्रेस सीधी विधानसभा का हार गया थे। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी खबर के जोड़े में आंकड़ा के साथ हम बात करब कि आखिरकार तीन चुनावन के यदि परिदृश्य देखी तो ओमा स्थिति का है। परसीमन के बाद 2008 के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा छत्री वर्ग से के सिंह भंवर का जो है मैदान में उतारा गया, जिसके बाद छत्री वर्ग में जबरदस्त गुटबाजी देखने को मिली। एक ओर ब्रिजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर निर्दलीयता, दूसरे ओर आनंद मंगल सिंह गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से मैदान में उतर गए। नतीजा कांग्रेस के बड़े अंतर से यानी 26,822 मतन से चुनाव हार गए। अगर इन तीनों लोगों के मतन का जोड़ दिया जाए तो यह हार के अंतर महज 4,671 मतन के रह जाते हैं। मतलब कांग्रेस यदि संगठित हुई के चुनाव लड़ती तो शायद चुनाव जीतो जा सकत है। अब बात करी थी 2013 के विधानसभा चुनाव के, यह चुनाव ऐसा रहा जोने में कांग्रेस के द्वारा पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी का चुनाव मैदान में उतारा गया और यह चुनाव में कांग्रेस में कोनो बगावत नहीं दिखान और संगठित हुई के चुनाव लड़ागा, जोने के बाद जो है कांग्रेस जीत के नजदीक पहुंच पाई। हार के अंतर महज 2,360 मतन के रहेगा, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत दिखान। के सिंह भंवर समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में उतर आए, जोड़े वजह से हार के अंतर फिर से बढ़ के 19,986 मतन के हो गया। अब इधर की हालात विस्फोटक लग रहे हैं, कहे कि अब टिकट के दावेदारी पेश करे वाले की संख्या लगभग एक दर्जन से ज्यादा है, खासकर छत्री वर्ग के चेहरन के। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से जाति समीकरण का देखत किन ब्राह्मण वर्ग के चेहरे में दांव लगा सकते हैं।
हालांकि ये चुनाव आए और चुनाव में अभी बहुत वक्त है, एक एक दिन महत्वपूर्ण होते चुनाव में, और माना यह जा रहा है कि भाजपा कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है और यह लड़ाई में जीत जेकर हुई वह कहो न कहो यह कांग्रेस और भाजपा में यह तय हुई कि आखिरकार यह उम्मीदवार के चयन सही रहा। हालांकि कयास यह लगाए जा लगे कि भाजपा में लगातार जो है कार्यकर्ता अपन अपन दावेदारी पेश कर रहे हैं, लगभग ओहू मा ए समय वर्तमान में आधा दर्जन से अधिक दावेदार हैं जो सीधी विधानसभा में बतौर उम्मीदवार अपन दावेदारी कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि भाजपा एहन से पेशोपेस की स्थिति में है कि आखिरकार उम्मीदवारन कर लेके का कहें जाए, काहे कि भाजपा में अंदरूनी कलह और गुटबाजी के कहो न कहो आशंका जाहिर हो रही है और वह में कमोबेश स्थिति कांग्रेस में ही जोने में लगभग दर्जन भर दावेदार हैं जो अपन दावेदारी पेश कर चुके हैं। अब नाक दूर के हंसिया बहुत जल्द उम्मीदवारन के सूची आ रही ही, हालांकि बीजेपी अपन दूसर सूची जारी करे वाली है, कांग्रेस अपन पहल सूची जारी करे वाली है, लेकिन अबे जीती सीटन पर भाजपा अपन उम्मीदवार नहीं तय कर रही है, अबे केवल हारी सीटन पर जो है भाजपा सूची जारी कर रही है, कांग्रेस अपन सूची जो है पहल सूची जो जारी कर रही है, लगभग उमा माना जा रहा है कि 100 जो है उस सीट है जोने मां उनकर विधायक है और जहां उनकर स्थिति प्रबल ही वह सीटन के उस सूची जारी करे वाले हैं। तब देखा दिलचस्प हुई कि आखिर सीधी विधानसभा में का होत है यह चुनावी वहां दंगल बात। आप और अपने परिवार के रकम बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।